आप सभी ने ग्रैनी हॉरर गेम के बारे में तो सुना ही होगा। आजकल इस गेम का क्रेज बहुत सारे लोगों में काफी ज्यादा बढ़ गया है। उनमें से एक है रहीम, जिसने हमें इस वीडियो की स्टोरी भेजी है। 14 साल का रहीम दिन भर ग्रैनी गेम खेलता रहता था और किसी की कोई बात नहीं सुनता था। उसके पेरेंट्स उससे बहुत परेशान हो चुके थे क्योंकि वो अब पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था। रहीम की एडिक्शन दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक रात जब रहीम ग्रैनी गेम खेल रहा था, तभी अचानक ही उसका फोन बंद हो गया। उसने अपना फोन वापस ऑन करने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। रहीम को लगा कि शायद उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई है, तो वो अपनी अलमारी से चार्जर निकालने के लिए उठा। तभी उसे लगा कि जैसे उसके कमरे की तरफ कोई आ रहा है। उसने दरवाजा खोल कर देखा तो वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। रहीम ने अपना चार्जर निकाला और फोन को चार्जिंग पर लगा दिया। उसने फिर अपना फोन ऑन करने की कोशिश की, पर उसका फोन फिर भी ऑन नहीं हुआ। वो फोन ठीक ही कर रहा था कि तभी उसके कमरे का दरवाजा झटके से खुला और फिर धीरे से अपने आप बंद हो गया। रहीम थोड़ा घबराहट में दरवाजे की तरफ देख रहा था कि तभी दरवाजा। अगर आपको एक कहानी अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंड। रहीम ने हॉरर गेम्स खेलना छोड़ दिया, से चीखा। उस आवाज को सुनकर रहीम के पेरेंट्स भागते हुए उसके कमरे में आए और उन्होंने देखा कि वो सोते हुए चिल्ला रहा है। उसकी मॉम ने उसे नींद से जगाया और उसे बताया कि वो सपना देख रहा था। लेकिन उसकी मॉम, रहीम थोड़ा घबराहट में वो साफ साफ नहीं देख पा रहा था। लेकिन जब रहीम उस शीशे के पास गया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। शीशे में उसे एक बूढ़ी औरत दिख रही थी, जिसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी, मुंह से हल्का सा खून बह रहा था और चेहरे पर एक बहुत ही डरावनी स्माइल थी। रहीम तो जैसे तैसे वहां जम सा गया। वो एक टक लगाए उसी औरत को देखे जा रहा था और तभी उसे लगा कि जैसे वो औरत उस शीशे से बाहर आने की कोशिश कर रही है। उसने अपना हाथ रहीम की तरफ बढ़ाया और रहीम को एक बहुत तेज सा खिंचाव फील हुआ। वो जैसे तैसे भागकर अपने बिस्तर में घुस गया। थोड़ी देर के लिए उसे ऐसा लगा जैसे अब उसके कमरे में कोई नहीं है, तो उसने अपने मुंह से चद्दर हटाई, पर वो बूढ़ी औरत ठीक उसके सामने हवा में झूल रही थी। उसने रहीम का गला पकड़ लिया और अपने लंबे नाखूनों से उसे जोर से दबाने लगी। रहीम के मुंह से चिल्लाने की आवाज भी नहीं निकल पा रही थी, बस वो जोर जोर से मत करके रहीम बहुत जोर से चीखा। उस आवाज को सुनकर रहीम के पेरेंट्स भागते हुए उसके कमरे में आए और उन्होंने देखा कि वो सोते हुए चिल्ला रहा है। उसकी मॉम ने उसे नींद से जगाया और उसे बताया कि वो सपना देख रहा था। लेकिन उसकी मॉम बात करते हुए रुक गई जब उन्होंने देखा कि रहीम के गले पर असली के नाखूनों के निशान थे। उस दिन के बाद से रहीम ने हॉरर गेम्स खेलना छोड़ दिया। आपको क्या लगता है, क्या रहीम सच में कोई सपना देख रहा था? लेकिन फिर वो निशान जो उसके गले पर थे, वो कहां से आए? क्या आपको भी हॉरर गेम्स खेलने के बाद बुरे सपने आते हैं? कमेंट्स में जरूर लिखिए और साथ ही देखिए हमें पहली बार ग्रैनी गेम खेलते हुए हमारे नए गेमिंग चैनल। गुड बाय बाय।